तो बहुत दिनों से डिमांड था कि खोरठा भाषा और साहित्य पे एक वीडियो लेक्चर बने, और आज जो है वो खोरठा भाषा और साहित्य जेएसएससी के लिए, ये जेपीएससी के लिए नहीं, बल्कि जो सिलेबस है ये सिलेबस है आपका जेएसएससी का। तो जेएसएससी का सिलेबस के लिए आज खोरठा भाषा एवं साहित्य हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुछ बात जानना ज़रूरी है कि खोरठा भाषा और साहित्य जो होगा, जो भाषा होगी जेएसएससी में, उसमें आपका 100 क्वेश्चन आएगा और स्कोरिंग है, और स्कोरिंग है तो फिर इसमें अच्छे से काम करना पड़ेगा। कुछ और बात बता दें आपको कि जो भी जेएसएससी के सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है भाषा, जैसे एग्जांपल के लिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बाकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, हो, पंचपरगनिया, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा अच्छा और आसान भी कहा जाए तो आपका वो खोरठा भाषा एवं साहित्य होगा। जेएसएससी एग्जाम के लिए खोरठा भाषा और साहित्य जो है आपका सबसे ईजी होगा। आप देखिए कि हिंदी में, तो हिंदी में कितना कर पाएंगे, हिंदी में बहुत होगा। हिंदी में अगर काम करेंगे आप तो हम कहते हैं हिंदी में 70 प्लस करना भी मुश्किल हो जाएगा हिंदी में, लेकिन खोरठा अच्छे से कर लेंगे चूँकि उसका सिलेबस छोटा है, खोरठा अच्छे से कर लेंगे तो खोरठा हम लोग 90 तक कर सकते हैं, 90 प्लस। तो खोरठा को इस मतलब बात दिमाग में रखिए आप लोग कि 90 प्लस करना है, वो 90 प्लस मार्क्स लाना है खोरठा में, तभी आप अच्छा स्कोर कर, तभी आप मेंस का जो बनेगा मेरिट लिस्ट उसमें अच्छे से आप आ सकते हैं। तो हम फिर से बोल दे रहे हैं, हम लोग का जो उद्देश्य रहेगा, हम लोग का लक्ष्य रहेगा, हम लोग 90 प्लस खोरठा हम लोग को स्कोर करना है, और ये संभव है, हो सकता है, ठीक है, ये आराम से हो सकता है। तो सबसे पहले खोरठा भाषा साहित्य जो जेएसएससी का जो एग्ज़ाम में सिलेबस है बस उसको हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। तो खोरठा भाषा और साहित्य में चार भाग में दिया हुआ सिलेबस आपका, चार भाग में बटा हुआ है। एक बात और इसमें करना ज़रूरी है कि व्याकरण इसमें नहीं दिया है खोरठा भाषा, हमको ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसिंग है, मतलब बाकी सब जो हिंदी है या अंग्रेजी है या आपका नागपुरिया है, संथाली है, सब में पूछा गया है व्याकरण, लेकिन खोरठा भाषा में व्याकरण नहीं दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद व्याकरण होगा, और सवाल आता रहा है, पीछे जो एग्ज़ाम झारखंड के एसएससी से जो एग्ज़ाम ली है उसमें आपका पूछा गया है खोरठा। खैर देखते हैं इसको। तो इसका नंबर वन इसका भाग है गद्य भाग, आप लोग लिखिए भी इसमें, साथ में लिखिए भी, क्योंकि ये क्लास जब चल रही है तो साथ हम लोग आराम आराम से करेंगे, साथ साथ करेंगे, आप लोग इसको लिखिए भी, ठीक है। नंबर वन खोरठा भाषा साहित्य का जो सिलेबस में नंबर वन भाग है वो आपका है गद्य भाग। गद्य क्या मतलब होता है, ठीक है, उसमें कहानी नाटक सब जो लिखा होता है उस सेंस में है, ठीक है। पद जो कविता नहीं है, ये गद्य भाग है, ये आपका गद्य भाग है। दूसरा आपका है पद्य भाग। पद्य भाग में, पद्य भाग का मतलब होता है कविताएं। और बता दें इसमें सारा जो इसका जो स्क्रिप्ट होगा वो देवनागरी में ही लिखा होगा। दूसरा इसका है गद्य भाग, तीसरा इसका है नाटक, और चौथा में अन्य प्रकार के हैं। तो अन्य प्रकार में क्या है, संस्मरण नंबर वन, नेक्स्ट जीवनी, नेक्स्ट यात्रा वृत्तांत, और नेक्स्ट शब्द चित्र। ये चार भाग इसके हैं खोरठा के आपका सिलेबस का। अगर व्याकरण होगा तो पांचवा भाग इसका हो जाएगा, अगर व्याकरण होता है आपका तो आपका पांचवा भाग हो जाएगा। तो ऐसे आपका चार भाग है। तो चार भाग में सबसे पहले जो गद्य भाग है उसमें देखिए, अब गद्य भाग में सबसे पहला जो है वो आपका है छाइहर, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग छाइहर। छाइहर के जो लेखक हैं वो हैं चित्रंजन महतो चित्रा। जब दो बार तीन बार हम बोलेंगे तो आपको क्लास में याद करना है, आप लोग जो बैठे हुए हैं सब क्लास में याद कर लीजिए, ठीक है, सब क्लास में याद करना है, साथ साथ करते रहना है। तो नंबर वन पहला छाइहर के लेखक हैं चित्रंजन महतो चित्रा। उसका नेक्स्ट अगला है सोंध माटी, समझते, माटी मतलब मिट्टी, ठीक है, सोंधा हम लोग झारखंड में बोलते हैं ना, सोंध, जो सोंध लग रहा है उसका जो महक है, गमक है, वो सोंध लग रहा है, तो सोंध माटी के हैं डॉक्टर विनोद कुमार। इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर विनोद कुमार, विनोद सर रांची में पता ही आपको टीचर है, पढ़ाते हैं, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार। नेक्स्ट आपका है खोरठा निबंध जो है वो है डॉक्टर BN ओहदार। खोरठा जो निबंध है उसके लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार। फिर से हम बोल दे रहे हैं एक बार, आप लिख लीजिए आप लोग, लिखिए नहीं बल्कि याद कर लीजिए।
खोरठा भाषा और साहित्य में जो क्लास चलेगी उसे प्रयास करना है कि साथ साथ, खाली लिखना नहीं है, लिखना के साथ याद भी करना है क्लास में ही, टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको तो क्लास में सब याद कर लीजिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, छाईहर चित्रंजन महतो चित्रा, नेक्स्ट सोंध माटी डॉक्टर विनोद कुमार, नेक्स्ट खोरठा निबंध डॉक्टर बी एन ओदार, ये आपका पहला भाग है, गद्य भाग है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा भाग है आपका, ठीक है, दूसरा भाग आपका है पद्य भाग, दूसरा भाग आपका है पद्य भाग। तो पद्य भाग में नंबर वन जो कविता है वो है दामोदरिक कोराएं। कोराएं का मतलब होता है कोरा, गोद, दामोदर, दामोदर क्या है, दामोदर नदी, तो दामोदर नदी के, दामोदर नदी के कोराएं, कोराएं मतलब कोरा मतलब गोद, दामोदर नदी के गोद में कोयलांचल का जो एरिया है आपका, धनबाद का, बोकारो का, हजारीबाग का कुछ एरिया जो है वो आपका समझिए कि धन कोयलांचल का एरिया है, धनबाद सॉरी दामोदर नदी के गोद में बसा हुआ एरिया है, यह है दामोदरिक कोराएं। इसको लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक, दामोदरिक कोराएं उसके उसको लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक। नेक्स्ट आपका है आँखिक गीत, आँखी मतलब आँख, आँख होता है खोरठा, खोरठा भाषा में बोलने क्रम में बोलते हैं आँखिक गीत, ठीक है, आँखिक गीत, ये आपका है श्रीनिवास पानूरी, आँखी का गीत है श्रीनिवास पानूरी। आप देखिए दो दो तीन बात याद रखिए, डॉक्टर ए के झा और श्रीनिवास पानूरी ये सारे पितामह हैं खोरठा भाषा के, खोरठा भाषा का साहित्य, खोरठा भाषा की कविताएँ, खोरठा भाषा की कहानियाँ, इसको लिखने में, इसको विकास करने में आपका ये जो श्रीनिवास पानूरी जी हैं और ए के झा जी हैं, लोग पितामह हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आँखी के गीत श्रीनिवास पानूरी, नेक्स्ट खोरठा कोट पैदे खड़ी, यह डॉक्टर ए के झा जी, हम अभी बताए थे फिर से बोल दे रहे हैं कि पानूरी जी और झा जी, ये जो पानूरी जी हैं और ये झा जी हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खोरठा भाषा साहित्य में, ये मतलब कोई भी क्वेश्चन सेट होगा एग्जाम में और इसे सवाल नहीं है ये असंभव है, मतलब पानूरी जी और झा जी का सवाल आना ही आना है। नेक्स्ट आपका है एक मौनी फूल संतोष महतो, मौनी का मतलब क्या होता है, टोकरी का छोटा जो रूप होता है उसको मौनी बोलते हैं हम लोग अपना झारखंड में, गांव देहात में जो लोग बोलते हैं, जो टोकरी है, टोकरी का जो छोटा भाग है उसको बोलते हैं मौनी, ठीक है। जैसे महुआ चुनने जाना है तो जाते हैं ना चुनने के लिए महुआ, आप लोग तो महुआ चुनने के लिए जाते हैं क्या लेकर के, कभी टोकरी भी और एक मौनी, छोटा मौनी, तो एक मौनी फूल ये आपका है। फिर से हम अब लिख लीजिए आप लोग, फिर से रिपीट करते रहें, पद्य भाग में दामोदरी के कोराएं शिवनाथ प्रमाणिक, नेक्स्ट आँखिक गीत श्रीनिवास पानूरी, नेक्स्ट खोरठा कोट पैदे खड़ी डॉक्टर ए के झा, नेक्स्ट एक मौनी फुल संतोष महतो, ये आपका दूसरा भाग है। इतना अच्छा से हम लोग कर रहे हैं आराम आराम से, आप लोग तो क्लास में याद कर लेंगे सब, कोई जरूरी नहीं है इसको, कोई जरूरी नहीं है इसको कि मतलब बाद में वीडियो देख के, अभी क्लास में याद कर लेंगे आप लोग सब, क्लास में याद कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका पद्य भाग है। अब खोरठा भाषा और साहित्य तीसरा भाग, ये तीसरा महत्वपूर्ण भाग है, वो है आपका नाटक। तो नाटक आपका तीसरा भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है तीसरा। तो नाटक में, नाटक नाटक समझ रहे हैं ना, नाटक जो गांव में आप लोग खेलते थे पहले नाटक, ठीक है। नाटक आपका है में सबसे पहला है डाह, डाह के लेखक हैं सुकुमार। डाह का मतलब क्या होता है, डाह का मतलब होता है हाँ जेलसी, ईर्ष्या। अगर मान लिया जाए कोई दो फ्रेंड है, दो मित्र ही है और दोनों साथ पढ़ाई कर रहा है, किसी का एक जेएसएससी में हो गया, एक का नहीं हुआ, तो एक का क्या होगा, एक का उससे डाह हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा कि देखो भाई तैयारी साथ में कर रहे थे उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो ये डाह जो है ईर्ष्या जलन, डाह का मतलब, डाह के लेखक हैं सुकुमार, बहुत पॉपुलर नाटक है, ठीक है। ये किताब भी हमारे पास है, डाह खोरठा नाटक, डाह खोरठा नाटक ऐसे इसको इसको पढ़ना है, पतली सी किताब है, ठीक है, मुश्किल से अच्छे से पढ़ेंगे तो चार पाँच घंटे में ख़त्म हो जाएगा, डाह नाटक जो है सो चार पाँच घंटे में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अजगर, अजगर है विश्वनाथ दसौधी राज, अजगर, अजगर के लेखक हैं विश्वनाथ, विश्वनाथ दसौधी राज। अब ये अजगर ये वर्ड है, अजगर सांप है ना, अजगर क्या करता है, अजगर, अजगर यहाँ सिंबॉलिक वर्ड है, एक प्रतीकात्मक वर्ड है। अजगर क्या करता है, अजगर अपने शिकार पे हमला करता है और शिकार पे हमला करके शिकार को पहले दबोचता है, लपेटता है, लपेट के फिर निगल जाता है। तो ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक वर्ड है अजगर, बहुत अच्छी कहानी है अजगर विश्वनाथ दसौधी राज। अजगर में क्या है कि जो गांव है, गांव में लोग जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है गांव में, और जो उसका मतलब उसको वहां के गांव के लोग के ठेकेदार
वहाँ का जमींदार, वहाँ का सूदखोर, महाजन सब मिलके क्या करते हैं, सब मिलके गांव के भोले भाले जो गांव के लोग हैं वो अपने स्ट्रेटजी से, अपने चाल से उसको दबोचते हैं और दबोच के उसका शोषण करते हैं, उसको निगल जाते हैं। इस सेंस में है यहाँ पे अजगर। ठीक है, अजगर आपका है विश्वनाथ दसौधी राज। नेक्स्ट आपका है चाभी काठी। चाभी काठी आपका है श्रीनिवास पानूरी। फिर बता दे रहे हैं जहाँ पानूरी खोरठा में जहाँ पानूरी जी आए या झा जी आए, समझिए को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ये जो चाभी काठी के लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। और नेक्स्ट आपका है उद्वासल कर्ण। उद्वासल कर्ण जो है उसके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। ये जो उद्वासल वर्ड है, उद्वासल जो वर्ड है, ये उद्वासल कर्ण तो हम समझ रहे हैं। कर्ण कौन थे? कर्ण वही कुंती के पुत्र, कुंती के सबसे बड़े पुत्र ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा मिथक है, ऐसी मान्यता है हम लोगों के मैथोलॉजिकल बुक में कि जो कुंती का विवाह से पहले ही, कुंती के विवाह से पहले ही ये कर्ण का जन्म हो गया था। ठीक है, तो उनको यहाँ उद्वासल जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहिष्कृत करना, मतलब समाज से निकाल देना, उसको बहिष्कार कर देना, उद्वासल कर्ण के सेंस में है। ये उद्वासल वर्ड भी प्रतीकात्मक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कर्ण का कहानी है, कहानी वही गांव, ग्रामीण परिवेश, ठीक है, अपना माटी मानुष का सब कहानी है। उद्वासल कर्ण मतलब यहाँ पे जो सिंबॉलिक प्रतीकात्मक है कि बहिष्कार कर दिया गया है। ठीक है, इस सेंस में है। इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी, जो श्रीनिवास पानूरी इसके आपके लेखक हैं। ठीक है, और ये आपका था तीसरा पाठ, और ये चौथा पाठ फिर होगा संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्दचित्र। अब संस्मरण क्या है? संस्मरण क्या होता है? संस्मरण में होता है कि मान लीजिए कुछ हम लिखने बैठ रहे हैं, ठीक है, कुछ लिख रहे हैं तो किसी के बारे में या किसी वस्तु किसी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, याद करके उसको लिखते हैं। जीवनी, अब किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखना है, किसी का जीवनी लिखना है, जैसे गांधी जी, अब गांधी जी का लिखना है जीवनी, लिखते हैं जीवनी ना कि उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, वे कब आए राजनीति में, क्या क्या कि सारा उनका ऑटोबायोग्राफी जो जीवनी है उसको लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का जीवनी है ना, उसी प्रकार से बिरसा मुंडा का जीवनी पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से ये जीवनी पढ़ना है किसी का। यात्रा वृत्तांत, अब यात्रा वृत्तांत का यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई कहीं जा रहा है, कोई यात्रा कर रहा है, तो यात्रा करने के क्रम में मान लीजिए जो घटनाएँ घटती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई जा रांची से ट्रेन पकड़ा और जा रहा है दिल्ली, अब रांची से जा रहा ट्रेन से दिल्ली, तो कैसे उसको क्या मिला, ट्रेन में कैसे आया, कब बैठा, कौन लोग उसको मिले, ट्रेन में क्या बातें हुई, वो रोड चलते हुए क्या क्या देखा, क्या उसको अच्छा लगा, ठीक है, और फिर दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में कैसा उसका अनुभव रहा, दिल्ली में किससे मिला, फिर रांची लौटा, तो ये सब सारा यात्रा वृत्तांत में हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, ऐसा ही है यात्रा मतलब। शब्द चित्र, ठीक है, अब शब्द चित्र का मतलब क्या है? शब्द चित्र का मतलब होता है चित्रण करना, शाब्दिक चित्रण करना, इसका जो मतलब है ये है शाब्दिक चित्रण करना। ठीक है, अगला पांचवा खोरठा होता है, तो ऐसे अभी नहीं है, ये अभी सिलेबस में आपका ये नहीं है खोरठा, सॉरी व्याकरण अभी नहीं सिलेबस में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खोरठा में व्याकरण भी रहेगा, सवाल इससे आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सारा जितना क्षेत्रीय भाषा है सब में व्याकरण है, हिंदी में व्याकरण है, अंग्रेजी में व्याकरण है, तो हमको लगता है कि खोरठा में व्याकरण होगा, ये या तो मिसप्रिंट है या तो मिसिंग है, जो भी हो, लेकिन नहीं हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, क्यों हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग खोरठा भाषा में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण अगर यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर से एक बार रिविजन करते हैं और इसको फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला गद्य भाग, दूसरा पद्य भाग, तीसरा नाटक, चौथा संस्मरण, ठीक है, और जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्दचित्र। अब तो याद हो गया होगा, इतना बार हम बता दिए हैं कि सिलेबस तो याद हो जाएगा, सिलेबस आपको खोरठा का सिलेबस जबान पे आ जाएगा। याद रखिए हम लोग को 90 करना है, हम लोग का लक्ष्य क्या है, 90, हम लोग को 90% मतलब 90 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है, खोरठा में। इसलिए ये आपका पूरा पार्ट है, ये आपको एक बार आपको ब्रीफ कर दिए, अब इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।